नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री दैनिक पंचांग के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं 7 दिसंबर सन 2022 आज का पंचांग लेकर के। आज के तिथिवार नक्षत्र योगकरण की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आज के सभी शुभ अशुभ मुहूर्तों का क्या समय होगा, कौन से दिशा में आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, शुभ चौघड़िया क्या रहेगी, इन तमाम बातों की चर्चा भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के सूर्य उदय काल की। आपको बता दें आज सूर्य उदय का समय 7:02 प्रातःकाल रहेगा, सूर्यास्त का समय सायंकाल 5:17 का रहेगा। आज के सभी शुभ अशुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। आज राहु काल का शुभ समय 12:11 से प्रारंभ होगा, 1:29 दोपहर तक रहेगा। गुलिक काल का समय प्रातःकाल 10:54 से प्रारंभ होगा और 12:10 मध्याह्न काल का रहेगा। अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:48 से प्रारंभ होगा और 12:32 तक का रहेगा। शुभ चौघड़िया की बात करें तो आज प्रातःकाल 8:18 से लेकर के 9:35 तक अमृत चौघड़िया और सायंकाल 8:48 से लेकर के 10:27 तक शुभ चौघड़िया रहेगी। ध्यान रखिएगा, राहु काल में किसी भी नए व खास कार्य को शुरू नहीं करना है। अभिजीत मुहूर्त, गुलिक काल व शुभ चौघड़िया में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है 11:48 से लेकर के 12:12 तक का ही रहेगा, उसके उपरांत राहुकालीन अभिजीत मुहूर्त होगा, तो राहुकालीन अभिजीत मुहूर्त को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। बात करते हैं आज के शुभ पंचांग की। तो विक्रमी संवत 2079, साक संवत 1944, तद अनुसार 7 दिसंबर सन 2022 मार्गशीर्ष माह की आज 22 प्रविष्टाएं। हेमंत ऋतु, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होंगे। चतुर्दशी तिथि प्रातःकाल 8:01 तक रहेगी, उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि होगी। आज का वार बुधवार है। आज कृतिका नक्षत्र 10:25 प्रातःकाल तक रहेगा, उसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र होगा, जबकि सिद्धि योग पूरे दिन भर व्याप्त रहेगा। आज वणिजकरण 8:02 प्रातःकाल तक रहेगा और उसके उपरांत विष्टिकरण होगा। आज का जो दिशाशूल है उत्तर दिशा का है, तो आज उत्तर दिशा में आपको यात्रा करने से जरूर बचना है। यदि आप नौकरी व्यवसाय कामकाज को लेकर के प्रतिदिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा करते हैं तो आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी खास काम से आवश्यक स्थिति में उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं तो घर से धनिया का सेवन करें, उसके उपरांत ही आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा करें। अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए, अपने कार्य में सिद्धि प्राप्ति के लिए, आप जब भी आप यात्रा के लिए निकलते हैं उस समय देखिएगा, जिस भी नासिका छिद्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा हो यानी गतिमान स्थिति में हो, उसी तरफ के पैर का पहला कदम रख करके यात्रा शुरू करिएगा, निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद होगी। आज सायंकालीन पूर्णिमा तिथि है तो श्री सत्यनारायण व्रत आज ही किया जाएगा, त्रिपुर भैरव जयंती भी आज ही होगी। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है, आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको यश, आयु, कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करिएगा। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन जरूर करिएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।